नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार शाह है और आपका डिजिटल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं कुछ इस तरीके की वीडियो को बना के दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो पूरा समझ में आए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इस प्रकार के निर्माण वाले वीडियो को बना सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियो को बनाने के लिए हम काइन मास्टर का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास काइन मास्टर नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आगे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ नीचे लगे रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। काइन मास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें आपको ये जो प्लस आइकन दिख रहा है इसको दबा देना है और 16 नंबर का इशू ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो फोटो आपको लगाना है उस फोटो को यहाँ पे आप लेके आएंगे। तो मैंने कुछ फोटोज़ रखा है, मैं उसको लेके आता हूँ, आप अपने फोटो को लगा सकते हैं। तो इसके लिए मीडिया में जाना है और उन फोटोज़ को लेके आना है। तो दोस्तों ये सारे वो फोटो है मैंने ले लिया है, आप अपने फोटो को लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों इसे हमें सजा लेना है फोटो को, इस पर क्लिक करना है और कैंची के बगल में जो बॉक्स दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इसके इक्वल टू पे क्लिक करके इसे दोनों उंगलियों से आपको इस तरीके से आपको सजा लेना है, कुछ इस तरीके से कर लेना है। उसी प्रकार बैक जाना है, इसमें क्लिक करना है, इस बॉक्स में जाना है, इस कल्टू पे जाना है और इसे इस तरीके से कर लेना है। आप अपने हिसाब से इस तरीके से फ़ोटो को सजा सकते हैं। फिर से बैक करना है और इस पे जाना है, इस कल्टू पे जाना है और इस कल्टू पे क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आपको सजा लेना है सभी फ़ोटो को। तो मैं सजा लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मैं सजा लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो मैंने देखिए दोस्तों मैंने फ़ोटो को सजा लिया है। अब इसे सिंपली क्रॉप कर देना है, छोटा कर देना है कुछ इस तरीके से, छोटा करके रखना है हमें, कुछ इस प्रकार रख देना है, सभी को छोटा कर देना है, थोड़ा इस तरीके से छोटा कर देना है, कुछ इस प्रकार छोटा कर देना है, इस तरीके से छोटा करके घींच के इस तरीके से छोटा कर देना है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से घींच के छोटा कर देना है, कुछ इस तरीके से छोटा कर देना है। तो ये हमारा हो चुका है। अब दोस्तों सब में इफ़ेक्ट ऐड कर देना है हमें, इस पर क्लिक करना है। सबसे पहले हमें नीचे जाना है और ये विग्निटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर ऑन कर देना है, सभी में हमें कर देना है। दाहिनी तरफ जाना है, नीचे जाना है, विग्निटी का ऑप्शन ऑन कर देना है, दाहिनी तरफ जाना है, विग्निटी का ऑप्शन ऑन कर देना है, सभी में कर देना है। इस तरीके से सभी में आपको कर देना है, कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब दोस्तों जो मैंने इफ़ेक्ट यूज़ किया था आपको सिंपली डाउनलोड करना होगा। इसके लिए फ़ोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है, ये दाहिनी तरफ आपको क्लिप ग्राफिक्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और आपको दो इफ़ेक्ट डाउनलोड करने होंगे। इसके लिए आपको यहाँ नीचे एकदम आना है, गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आके आप आसानी से उन दो इफ़ेक्ट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं वो दो इफ़ेक्ट का नाम बता दे रहा हूँ, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। एक है जो लाइट स्लाइडर और दूसरा नीचे है ओवरलाइन। ये लाइट स्लाइडर और ओवरलाइन दो इफ़ेक्ट है, इसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो मैं जैसे मैंने इफ़ेक्ट लगाया था मैं वैसे लगा लेता हूँ। लाइट स्लाइडर में क्लिक करना है और ये वाला इफ़ेक्ट मैंने लगाया था कुछ इस तरीके से लगाया था, तो ये हो चुका है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और नीचे जाना है, ओवरलाइन में जाना है, ओवरलाइन में जाना है और ये वाला इफ़ेक्ट मैंने लगाया था तो मैं ये वाला इफ़ेक्ट लगा दिया कुछ इस तरीके से। फिर बाकी वाले फ़ोटो पे क्लिक करना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और लाइट स्लाइडर में जाना है और शुरू से इस तरीके से कुछ लगा देना है। फिर इस पर क्लिक करना है, फिर क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और लाइट स्लाइडर में जाना है और आप कोई भी इस तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं ये सारा लगा देता हूँ, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, लाइट स्लाइडर में जाना है और ये लगा देता हूँ, फिर से क्लिप ग्राफिक्स में जाना है, लाइट स्लाइडर में जाना है और ये वाला लगा देता हूँ, फिर से जाना है, क्लिप ग्राफिक्स में जाना है और ये लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से हो चुका है। तो हमारा ये बनकर रेडी हो चुका है। अब सिंपली हमें बाईं तरफ जो शेयर का बटन है इस पर क्लिक करना है और इसे सेव कर लेना है। वीडियो एक्सपोर्ट करने के बाद सिंपली आपको बैक कर जाना है, पूरा बैक जाना है। बैक करने के बाद आपको ये जो प्लस आइकन दिख रहा है फिर से एक बार प्लस आइकन को दबा देना है, 16 नंबर का रेशियो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो वीडियो सेव किया था उसे लेके आना है, इसके लिए मीडिया में जाना है और उस वीडियो को लेके आना है।
तो दोस्तों ये हमारा वो वीडियो है जो हमने सेव किया था, कुछ इस तरीके से हमारा ये वीडियो है। इसके बाद दोस्तों दाहिनी तरफ आपको नीचे जाना है, आपको विग्निटी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, थोड़ा डार्क हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अब दोस्तों इसमें हमें ब्लर को ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, इफेक्ट्स में जाना है और नीचे एकदम चले जाना है। आपको बेसिक इफेक्ट्स दिखेंगे, इस पर क्लिक करना है और ग्रेशियन ब्लर इस पर क्लिक कर देना है और इसे घींच कर वीडियो के अनुसार बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, और इसके स्क्रीन को भी फुल कर लेना है कुछ इस प्रकार कर लेना है। और दाहिनी तरफ आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली 5 कर देना है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना आपको ब्लर चाहिए, मैं 5 कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें टेम्पलेट वीडियो को लेके आना है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, तो आप उसको डाउनलोड करके यहाँ पे लेके आएंगे। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और उस टेम्पलेट वीडियो को लेके आना है। तो ये हमारा टेम्पलेट वीडियो है कुछ इस तरीके से, जो बहुत ही अच्छा है देखने में। इसे सिंपली कैची के बगल में जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है कुछ इस प्रकार है। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये थोड़ा देखिए पीछे का ब्राइट हो जा रहा है, इसके लिए टेम्पलेट वाले वीडियो पे क्लिक करना है, दाहिनी तरफ नीचे जाना है, आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन दिखेगा, इसके कलर को फुल कर देना है और इस तरीके से थोड़ा हल्का फल्का आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पिक्चर वाले लेयर पे क्लिक करना है और नीचे जाना है, एडजस्टमेंट में जाना है और इसके ब्राइटनेस को हल्का कम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि ये अच्छा लगे देखने में, ताकि हमारा बैकग्राउंड जो है वो पूरा अच्छा लगे कुछ इस प्रकार, हमारा टेम्पलेट वीडियो कुछ अच्छा लगे देखने में इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अब हमें फ़ोटो को ऐड कर देना है, इसके लिए लेयर में जाना है, जो वीडियो हमने सेव किया था उसे लेके आना है। तो ये फ़ोटो हमने सेव किया था कुछ इस तरीके से, इसे छोटा कर लेना है और इसे इस टेम्पलेट के अनुसार इसमें सजा लेना है कुछ इस तरीके से, हमें सजा लेना है कुछ इस प्रकार कर लेना है, इसे थोड़ा हल्का बड़ा कर देना है कुछ इस तरीके से, कुछ इस प्रकार कर लेना है। और दाहिनी तरफ आपको जाना है, क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखे, इस पर क्लिक करना है और इसके मास्क को एनेबल कर देना है और इसके फेदर को फुल कर देना है। तो कुछ इस तरीके से देख लेना है हमें, यह हमारा स्क्रीन में फिट हो चुका है, पूरा फिट हो चुका है। अगर कोई प्रॉब्लम थोड़ा हो तो आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप कुछ इस प्रकार, आप कर सकते हैं एडजस्ट, आपको ध्यान से इसमें कर लेना है। इसके बाद दोस्तों फिर से इस पिक्चर वाले एयर पर क्लिक करना है, बाईं तरफ आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है और इसे डुप्लीकेट कर लेना है। और डुप्लीकेट वाले लेयर पे क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको जाना है, क्रॉपिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके फेदर को हटा देना है और ये जो शेप दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इसके सर्कल कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, तो इसे पूरा हमें अच्छा से सर्कल कर लेना है इस तरीके का सर्कल, और फिर से इस पर क्लिक करना है, पिक्चर में आ जाता है ताकि ये देखने में अच्छा लगे इस तरीके से, और इसे यहाँ पे खींच के लेके चले आना है कुछ इस प्रकार, लेके चले आना है और इसे पूरा सर्कल में हमें सजा लेना है, पूरा सजा लेना है इस तरीके से सजा लेना है। उसके बाद फिर से दाहिनी तरफ आपको जाना है, क्रॉपिंग में जाना है और ये जो मिडिल में कर देना है, ये जो इसे खींच के इस तरीके से मिडिल में कर देना है कुछ इस प्रकार कर देना है, मिडिल में इस तरीके से एडजस्ट आपको कर लेना है। तो हमारा ये सर्कल इसमें आ चुका है, और फिर से इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको नीचे जाना है, अल्फा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसके ऑपेसिटी को कम कर देना है ताकि ये स्क्रीन के साथ मैच कर सके। उसके बाद दोस्तों और एक इफेक्ट हमको ऐड करना है, इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और इस इफेक्ट को ऐड कर देना है। तो ये हमारा वो इफेक्ट है, इसे सिंपली कैची के बगल में जो बॉक्स है इस पर क्लिक करना है और इसे फुल स्क्रीन कर लेना है। उसके बाद इस पर क्लिक करना है, दाहिनी तरफ आपको नीचे जाना है, आपको ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और इसे सिंपली स्क्रीन कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हमारा वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, कुछ इस तरीके से ये वीडियो है, कुछ इस प्रकार ये वीडियो है। अब इसमें साउंड को ऐड करने के लिए दोस्तों मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है, तो उसमें साउंड है, तो मैं उसमें से साउंड को एक्सट्रैक्ट करना है। इसके लिए लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है और पहले से मैं जो वीडियो बना के रखा था मैं उसको लेके आता हूँ। ये मेरा पहले से बना हुआ वीडियो है, इसके साउंड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए दाहिनी तरफ आपको नीचे जाना है और नीचे देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो नीचे हमारा साउंड ऐड हो चुका है, ये हमारा साउंड ऐड हो चुका है देखिए, और इस वाले लेयर को हमें डिलीट कर देना है कुछ इस तरीके से, हमारा ये डिलीट हो चुका है। तो हमारा साउंड इसमें ऐड हो चुका है, सिंपली मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ।
देखिए दोस्तों, ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इस तरीके की वीडियो को अगर आप बनाएंगे तो आपको अच्छा खासा रिस्पांस मिल सकता है, जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस तरीके की वीडियो को लोग देखना पसंद करते हैं और बड़े आसानी से इस प्रकार के वीडियो को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसे सेव और शेयर करने के लिए जो बाईं तरफ शेयर का बटन, इस पर क्लिक करना है और अपने फाइल के साइज को चुनकर सिंपली इसे एक्सपोर्ट कर देना है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज नीचे लगे रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार का लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।